सही है। तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन टू ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कोई कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बेटा स्फेयर आपने याद रखना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। सही है। और वॉल्यूम ऑफ, इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका यहां तक के चारों चीजें कंप्लीट है। कौन कौन सी बेटा, स्फीयर क्या क्या है, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, और फिर क्या आ गया, स्फीयर। ठीक है। इन 5 चीजों को टोटल मिलाकर हमारा ये क्या बनता है, मेंसुरेशन बनता है। क्लियर हो गई। तो 3 डायमेंशनल का जब भी आपका वर्ड आएगा, 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, ये चीज है। यहां तक क्लियर है? ठीक है राइट बेटा, क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा 5 मिनट का जो है वो वेट की आर एक बार। ठीक है। अब आप इस चीज पे गौर करें, यहां पर ये इसका क्या है, फेस है, ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे। ठीक है। ये पीछे वाला, सामने वाला, ये भी सेम होगा। इधर देखिए, नीचे नीचे मैंने आपको बताया हुआ, ये टॉप, ये क्या है, बॉटम, राइट, ये फ्रंट, ये बैक, ये साइड वन, और ये क्या है, साइड टू। ठीक है। लेकिन बेटा जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, ठीक है, मैंने वॉल्यूम निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। यहां पर आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, यहां पर जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है, रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। अगर मैं उसका फॉर्मूला ले लेता हूं, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, सही है, व्हाट इज एच, हाइट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आपके पास क्या है, डस्टर, डस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है। ये जो बुक है ये भी क्या है, ये भी आपकी क्या है, क्यूबॉइड की एग्जाम्पल है। क्यूबॉइड हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर का शेप जो है वो भी यही आ रहा है। ठीक है। ये जो मोबाइल आपके पास रखा हुआ है, इसका केसिंग में जो आया हुआ है, ये क्या है, ये भी क्या है, ठीक है, क्यूबॉइड है। ठीक है। लेकिन देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये मोबाइल खोल रहा हूं, ये मोबाइल का जो है ना, ये चीज जो है, ये जो शेप है, यहां पर ये कर्व हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, ये साइड आपकी वो आ गई स्क्वायर, और यहां पर जो है वो कर्व है। ठीक है। तो ये चीजें अलग है, ये इसकी बिल्कुल साइड जो है वो अलग होगी। ठीक है ना। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बंद कर रहा हूं, अब ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, सारे रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। तो क्यूबॉइड की सिंपल डेफिनेशन क्या है बेटा, सिक्स साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो बेटा इन चीजों पे जरा सा आप जो है वो गौर कीजिएगा, ये क्या क्या चीजें हैं। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है बेटा, क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये चीज तो आपकी हो गई। अब आगे देखिए बेटा, यहां पर हम आगे चलते हैं, यहां पर एक और चीज है। ठीक है बेटा, आगे आ जाए। सही है। अब अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सही है, सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, ठीक है, जहां जहां पर हवा टच करती है। ठीक है। तो बेटा सरफेस एरिया आ जाए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहां देखें, इधर आ जाए,
सर अगर इस डायग्राम में देखें ज्यादा सही है, ठीक है। आपका सबसे पहला क्या आ जाएगा, टॉप एंड फ्रंट, टॉप एंड फ्रंट, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेक्टेंगल है, एक साइड वन और एक साइड टू, फिर एक टॉप और एक क्या है, बॉटम है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं टॉप एंड बॉटम की बात करता हूं, ये एल है और ये क्या है, डब्ल्यू है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। यानी कि एल इंटू डब्ल्यू और एल इंटू डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, टू एल इंटू डब्ल्यू, सही है, प्लस ये एच ले लिया, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या चीज है, हाँ ये डब्ल्यू है, तो अब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स, क्योंकि ये साइड वन और साइड टू ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच इंटू डब्ल्यू, सही है। ये क्या हो जाएगा, एच इंटू डब्ल्यू, ठीक है, राइट, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बॉटम पे आ जाएं, ये लेंथ है और ये क्या है, विद है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या कुछ गलत हुआ है, अच्छा बैक वाले की बात कर रहा हूं ना मैं, ये सॉरी ये बैक वाला है ना, तो बैक वाले का लेंथ और हाइट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू हाइट। बेटा अगर मैं इन सब से टू कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ प्लस फिर उसके बाद लेंथ इनटू एच प्लस, ठीक है, हाइट इनटू विड्थ। आपको याद रखने का सबसे तरीका क्या है, हर चीज दो दो आनी चाहिए, लेंथ और विड्थ, लेंथ और हाइट, हाइट और विड्थ, और मल्टीप्लाई बाय टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर चीज कितनी है, दो दो है। कितने रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल है, और हर कितने रेक्टेंगल है, दो दो रेक्टेंगल, सही है, हर एक के दो दो रेक्टेंगल है, बात समझ में आई, ठीक है। ये तो इसका हो गया सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। नीचे एक और चीज है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन क्यूबॉइड। देखो बेटा एक बात याद रखना, अगर डब्बा, ठीक है, खुला हुआ ऊपर से, तो उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है, जितना एक क्लोज का होता है, तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओपन का, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ओपन क्यूबाइट का कोई मसला नहीं है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, क्यूबाइट के ऊपर। सपोज करो कि ये जो व्हाइट पोर्शन इसने दिखाया है, ये क्या है, ओपन है, क्या है, ये ओपन है। तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली जो चीज है इसको यहां से हटा देता हूं। अब अगर मैं यहां पर इसका कैलकुलेट करूं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ प्लस टू टाइम्स इनटू बी इनटू एच प्लस एल इनटू एच, ठीक है। और यहां पर ये चीज बता दी है कि एल इनटू बी ये क्या है, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस है। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो इसको किस तरह से लिया गया होगा, ये चीज ऐसे ली गई होगी, ये ठीक है, यानी कि ऊपर वाला तो खुला हुआ है, नीचे वाले का एरिया कितना है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, प्लस टू टाइम्स, और ये भी दो है, यहां पर भी दो आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सामने वाला, पीछे वाला, ये भी दो आ रहे होंगे, लेकिन ये ऊपर वाले का हमने नहीं लिया क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ठीक है। तो जब भी ओपन आपके पास हो, यानी कि टॉप उसका बिल्कुल खुला हुआ हो, ठीक है, तो इसको किस तरह से जो है वो लेंगे, तो ये क्या कहलाता है, ओपन क्यूबॉइड, सही है, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ बेटा लास्ट आपका है क्यूब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्यूब, क्यूब की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है, इन विच फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है, ऑल साइड्स आर, ठीक है, इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं क्यूब की, तो क्यूब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिक्स साइडेड, क्या है बेटा, सिक्स साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि बेटा इसमें आपका जो लेंथ है ठीक है, वो विड्थ है और वो हाइट है, ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि बेटा जब तीनों ही एक जैसे हैं तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब। इसी तरीके से बेटा अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ एल इंटू डब्ल्यू, सही है, प्लस टू टाइम्स ऑफ एल इंटू एच प्लस टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इंटू एच, हर चीज दो दो हो गई या नहीं हो गई, ठीक है, और करो, टू इंटू एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, ठीक है, प्लस एल इंटू एल। अब क्यों मैं हर एक को एल एल लिखे जा रहा हूं, क्योंकि बेटा लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है, एल इंटू एल कितने हो गए, एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टू एल स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, टू एल स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, टू एल स्क्वायर, टू प्लस टू, टू प्लस टू, फोर, कितने हो जाएंगे, सिक्स एल स्क्वायर। सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, सिक्स एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका आज मेंसुरेशन का यहां तक के थ्योरी सारी, एक मिनट, थ्योरी सारी खत्म हो गई है, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या प्रैक्टिस करनी है कि लास्ट, अब मेरी क्लास होगी, एक तो होगी फ्राइडे को और एक होगी सैटरडे को, फ्राइडे के दिन मुझे ने फ्राइडे के दिन आप लोगों को एक पेपर दिया हुआ है, मुझे वो पेपर चाहिए, मैं पेपर की क्लास फ्राइडे के दिन होती है बेटा, भूल गए हो क्या, फ्राइडे को सही है, फ्राइडे।